नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे, कृष्णा पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी ब्लॉक के बारे में। उससे पहले वीडियो में आप लोगों को दिया था कैप के बारे में, हेड के बारे में। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बनाऊंगा कि कैसे स्टैंड का शाफ्ट बनाते हैं, उसका बेस क्या लेते हैं शाफ्ट बनाने का। हम अभी सारी स्टैंड के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे बड़ी मेन होती है कि शाफ्ट किस टाइप से बनते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, शाफ्ट बनाने का सबसे बेस क्या लेते हैं। तो आज मैं जो जानकारी दूंगा शाफ्ट के ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने का आज मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि कैसे बेस से शाफ्ट को बनाते हैं। आज इसी के बारे में ये वीडियो हमारी रहेगी। तो मेरे मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। आप लोगों का मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन की घंटी को दबाएंगे तभी मेरी नई नई वीडियो आप लोगों को तक पहुंचेगी और मेरे को उत्साह मिलेगा आप लोगों की कमेंट्स करने से, सब्सक्राइब करने से। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें ताकि आप लोगों को मैं अपनी जानकारी शेयर कर सकूँ। तो आओ मित्रों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शाफ्ट कैसे बनाते हैं, बेस क्या रहता है, आज इसी के बारे में जानकारी देंगे। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो मेरे मित्रों, मैं आज जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टैंड का ट्यूब मिल स्टैंड का शाफ्ट, ठीक। अब देखो इसकी ड्राइंग कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार बना रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा। ये हमारा जो बन रहा है ये बेयरिंग साइज बन रहा है ये, और बेयरिंग के बाद एक कॉलर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉलर और देते हैं ये पैकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये सीधा रोल का बेस बनाते हैं। ये बन गया मेरा शाफ्ट का ड्राइंग। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये कपलिंग साइज रहता है, ये कीवे, ये जो है कीवे रहता है। जैसे कपलिंग में 16x12x6 का हो, जो भी कपलिंग साइज कीवे रहेगा वो इसमें कीवे डालेंगे, ये कीवे साइज रहता है। ठीक है, अब ये हो गया चेकनेट थ्रेड साइड, ये हमारा थ्रेड रहता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी ये रहती है पॉइंट, ये देखिए, ये आप लोगों को मैं डॉट से बना रहा हूं, डॉट बाई करके।
ये बेयरिंग साइज है, ये जैसे आपको एक दर्शा रहे हैं कि ये बेयरिंग है, वैसे ही सेम, एक मिनट, यहाँ पे भी आपको ये थ्रेड है, ये थ्रेड रहता है, इधर से आपको समझाते चल रहे हैं। ये जैसे 14 TPI का थ्रेड लेंगे, ये तो ये रहेगा कम से कम 8 TPI का, 8 TPI का। वो 8 TPI का थ्रेड इसलिए डालते हैं कि ये लोड पॉइंट पे पूरे रोल को टाइट करके रखता है इसीलिए, और बार बार खोलना टाइट में, मोटी मोटी थ्रेड डालते हैं, इधर पतली थ्रेड डालते हैं, इधर 14 TPI, नहीं 14 TPI नहीं, सॉरी 12 TPI का डालेंगे, इधर इधर 12 TPI का डालेंगे, इधर 8 TPI का डालेंगे, ठीक है। 8 डाल सकते हैं, 6 TPI भी डाल सकते हैं, 8 या 6 TPI, इधर 12 या 10 TPI का डालते हैं, ये सही रहता। अब ये एक कीवे कहाँ रहता है, एक कीवे हमारा ये रहता है जो रोल को लॉक करेगा, ये कीवे को बोलते हैं 16x8 कर सकते हैं, जैसे रोल के साइज के हिसाब से इसको करेंगे रोल। ये जो इसकी ओडी जो रखते हैं एस पर रोल बोर एंड कीवे के हिसाब से, ठीक है, ये इसको रखते हैं, ठीक है। इससे 15 mm प्लस इसके ओडी से, मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये हो गया 80 का, ठीक है, तो इसको रखेंगे ये ओडी हो जाएगा 100 mm, ठीक है, ये हो जाएगा 90 mm। अब इसकी जो ओडी रखेंगे ये बेयरिंग के हिसाब से रखेंगे, बेयरिंग और ब्लॉक के हिसाब से, जैसे मान लीजिए बेयरिंग हमारा है 32 214, ठीक है, 70 का रख लिए, यानी ये हो जाएगा 14x70, ये 70 का हो गया, तो इसको रखेंगे 69 का, ठीक है। अब इसकी ओडी रखेंगे कितना, एज पर कपलिंग बोर, एज पर कपलिंग बोर, ठीक है। अब ये भी सेम रहेगा, इधर भी बेयरिंग साइज जो है 32 214 का ही रखेंगे, तो इसका भी बोर हो जाएगा, ये जो बोर रहेगा, ये पोर्शन जो रहेगा ये हो जाएगा 70 mm, ठीक है, और ये जो ये इसकी ओडी हो जाएगी 69 mm, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो मेन बेस जो बनाते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई मिल है उसका हमको शाफ्ट का मेन बेस बनाना है, तो मेन बेस बनाने के लिए ये पॉइंट हमको ध्यान रखना पड़ता है, ये इसको बोलते हैं बन,